नमस्कार दोस्तों, एमएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका भाग दो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किसने मेहरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास रचा है? तो वो दोस्तों कौन है, अपनी दीपा कर्माकर। कौन है दोस्तों? दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से कौन सा दिवस के रूप में घोषित किया गया? 21 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन हम मनाते हैं। याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है दोस्तों? कुंडालिया सिंचाई परियोजना। किस पे है? कुंडालिया सिंचाई परियोजना पर। ये कुंडालिया डैम पर बना हुआ है दोस्तों, तो इसको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया है? तो किसको चयनित किया गया है दोस्तों? वो किया गया है खजुराहो को। खजुराहो में मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, इसलिए खजुराहो को किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक पर्यटन खजुराहो में ही आते हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो किस में आती है दोस्तों प्रति बूंद अधिक फसल? तो ये की गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। किसके थ्रू? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? वो किया गया है श्रीदेवी को। किसको किया गया है? श्रीदेवी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन देश में हुआ है? तो ये दोस्तों कब हुआ है और कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है 1957 में केरल में हुआ है, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों। किस में है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय अभी अपन ने देखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि 21 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अपन ने देखा दोस्तों, वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें पूछ लिया उसका विषय। तो विषय भी याद रखना दोस्तों, शांति के लिए योग। इसका विषय क्या था? शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों असम में। कहाँ पर है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। अगला देखिए, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में की विशेषता है? तो ये किस जिले की विशेषता है दोस्तों? इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार को। तो ये देखिए, झाबुआ जिले में। किस जिले में दोस्तों? झाबुआ जिले में ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? हीरा कहाँ पाया जाता है अधिकतर अपने यहाँ? पन्ना में। तो वहीं पे इसकी एक मशीन लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किस शहर के बीच में चली है? तो ये चली है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। किन किन के बीच में चली है दोस्तों? ये चली है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है पद्मश्री से? गुंदेचा बंधुओं को, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। 2012 का बताया है इन्होंने, पूछा है क्वेश्चन में। अगला देखिएगा, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो कौन बनाती है दोस्तों? वो बनाती है आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल। कौन बनाती है दोस्तों? सिक्योरिटी पेपर मिल बनाती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगला पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली सीरीज में जल्द लाने वाला हूँ भाग 3।